लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच, देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैदर जैदी साहब मौजूद हैं, हम उनसे जो है मुहर्रम के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, रोशनी डालने के लिए। मैं लिमरा न्यूज का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमको इस लायक समझा। और बिलग्राम के बारे में जो हमने अपने पूर्वजों से सुना है और जो अपनी पत्रकारिता जगत में समाचारों में जिनका संकलन किया है, तो हमको बिलग्राम के बारे में जो जानकारी है, क्योंकि बिलग्राम एक गंगा जमनी तहजीब का संगम है, यहाँ के ऊपर एक रवायत रही है कि पूर्वजों से कभी भी यहाँ पर कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, बहुत ही अमन का कस्बा है। यहाँ पर बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े कवि गुजरे। तो जो मुहर्रम अभी गुजरा COVID-19 नियमों के तहत, जैसा कि हमने भी समाचारों से प्राप्त हुआ सूचना में कि वर्तमान यहाँ के जो शासन प्रशासन के अधिकारी हैं, जो यहाँ के कोतवाल हैं, उन्होंने एक पीस कमेटी की बैठक आहूत की थी, उसमें यहाँ लोगों को बुलाया था, यहाँ के संभ्रांत नागरिक गए थे और उन्होंने अपनी वार्ता की थी। वार्ता करने के बाद उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा कि यहाँ पर पुलिस के साथ जो यहाँ के हिंदू धर्म के लोग हैं और जो सुन्नी धर्म के लोग हैं और जो शिया मज़हब के लोग हैं, उन्होंने कौमी एकजहती का मुजाहरा करते हुए बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से मुहर्रम को संपन्न कराया। और यहाँ का जो मोहल्ला सैयदवाड़ा है, जिसमें 32 कहार के नाम से एक ताजिया उठता है, जिसके बारे में हम पूर्वजों से ही सुनते चले आए कि ये जो 32 कहार का ताजिया है वो इस तरीके से निर्माण किया जाता था कि इसमें जो कील टाकने का काम था, जो कीले लगाना था वो मोची करते थे, जो हार डालने का काम था, जो फूलों का काम था वो माली करते थे, जो कारपेंटरी का काम था वो बढ़ई करते थे। मतलब इसमें ये इस तरीके का एक सांप्रदायिक ना होके बल्कि एक शांति मिशन का एक ये ताजिया था, जिसमें हर धर्म के लोग अपनी शिरकत करते थे। हमारे साथ मौलाना सलमान मौजूद है, हम उनसे जो है मुहर्रम पे कुछ रोशनी डालते हैं। ये मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? मुहर्रम इसलिए मनाया जाता है कि एक यजीद है जो माविया इब्ने अबी सुफियान का बेटा है, जो उस वक्त शाम का हाकिम था और इस वक्त तकरीबन 65 हुकूमतें उसमें हुकूमत कर रही हैं, जिसमें अकेला यजीद हुकूमत कर रहा था। एक तरफ हुसैन जो शरीयत के वारिस थे, रसूल के नवासे थे, यजीद चाह रहा था कि जितने भी काम रसूल ने हलाल किए हैं उनको हराम कर दें और हराम मोहम्मदी को हलाल कर दें। इसलिए चाह रहा था कि यजीद चाह रहा था कि हुसैन हमारी बैयत कर लें, और इमाम ने बैयत से इनकार कर दिया। इसने यहाँ तक कि अपने गवर्नर को लिखा कि हुसैन अगर हमारी बैयत ना करें तो उनका सर काट कर हमारे पास भेज दिया जाए। इमाम को जब मालूम हो गया कि ये जालिम हमको कत्ल करना चाहते हैं, तो इमाम ने अपना वतन मदीना छोड़ दिया और मक्का है जहाँ काबा बना हुआ है, लेकिन काबे में भी यजीद ने अपने आदमियों को भेज दिया कि हाजियों के हुजूम में हुसैन को कत्ल कर दिया जाए और कोई जान भी ना सके कि हुसैन को कत्ल किसने किया है। लेकिन इमाम को मालूम था कि जालिम आ चुके हैं कत्ल करने के इरादे से। इमाम ने कहा ठीक है, मैं अपने कातिल को छुपने नहीं दूंगा। इमाम करबला की तरफ रवाना हुए और फिर रसूल इस्लाम ने पेशन गोई भी की थी, ऐ मेरे लाल, तुमको मदीना छोड़ना होगा और करबला में तुम्हें शहीद किया जाएगा। इमाम 2 मुहर्रम को करबला पहुंच गए और यहाँ पर यजीदी फौज जमा होने लगी, और 7 मुहर्रम को एक कतरा भी पानी का नहीं था। 10 मुहर्रम को सुबह से जंग शुरू हुई, एक तरफ 72 थे, एक तरफ 9 लाख का लश्कर था। तमाम हुसैन के चाहने वाले बेटे भाई सब शहीद कर दिए गए
और वक्त असर जब कोई न बचा तो अब हुसैन आए मैदान में और जंग की यादगार जंग की। लेकिन एक वक्त वो भी आया कि इमाम को भी जालिमों ने चारों तरफ से घेर लिया और जुल्म पर जुल्म ढाए, किसी ने तलवार मारी, किसी ने नैजा मारा और इमाम का सर भी तन से जुदा कर दिया गया। और फिर 11 मुहर्रम को इनके अहले अहरम को क़ैद करके रस्सियों में बांध कर जो यजीद का गवर्नर इब्ने ज़ियाद था कूफे के लिए रवाना कर दिया गया। इसलिए इन्हीं के गम में हम लोग ये सफ़े अज़ा बिछाते हैं और मातम करते हैं।